आश्वासन दिया गया है तमाम वोट दोनों बाम तमाम वोट देखभाल कर सब लोग हमारे साथ रहेंगे। सब ने पूरा आश्वासन नहीं दिया और बिल्कुल जिम्मेवारी से कहा कि हम आपके साथ हैं। सोहना तावड़ू विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार तेजपाल तवर ने चुनावी अभियान को गति देते हुए सोहना से करीब दर्जन भर गांवों में चलाया जनसंपर्क अभियान। सोहना खंड के गांव रठौत से इसकी शुरुआत की गई, जिसके बाद सहजावास, बहलपा, खेड़ला, दमदमा, अभायपुर, सरसका, लोहट की खाईका व गड़ी, मुरली, वाटिका, कुंज आदि गांवों में पहुंचकर तेजपाल तवर ने ग्रामीणों से बीजेपी पार्टी के लिए वोट करने की अपील की। इस मौके पर ग्रामीणों ने तेजपाल तवर को फूल मालाएं पहनाकर, पुष्प गुच्छे देकर व पगड़ी बांधकर उनका भव्य स्वागत किया और बीजेपी को एक तरफा वोट करके तेजपाल तवर को भारी मतों से जीत दर्ज कराने का विश्वास दिलाया। गांव की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? गांव की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है तमाम वोट दोनों गांव तमाम वोट तेजपाल तवर साहब की है और कैसी है और बना के जाएंगे और जेल जाएंगे और जहां जाना वहां सब दूर के अपने पे। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा सोहना विधानसभा के गांव सरसका व लोहटकी के अड्डे का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीण तेजपाल तवर को फूलों की माला पहनाकर, पुष्प गुच्छे देकर व पगड़ी बांधकर उनका भव्य स्वागत ही नहीं कर रहे, बल्कि गांव की सरदारी उनको जीत का पूर्ण विश्वास भी दिला रही है। इस मौके पर तेजपाल सिंह तवर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश तरक्की कर रहा है, लेकिन विपक्षियों को देश का विकास रास नहीं आ रहा है और देश व प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तेजपाल तवर ने अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए कहा कि सोहना विधानसभा के लोग एक बार फिर से साल 2014 को दोहराएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बहुत बढ़िया माहौल है आज हल्का में, सब लोग हमारे साथ रहेंगे। सब ने पूरा आश्वासन नहीं दिया और बिल्कुल जिम्मेवारी से कहा कि हम आपके साथ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी लीड करके। आज मैं कई गांव में गया हूँ, अभी दो तीन गांव और रह रहे हैं। यहाँ से कई गांव हमारे आज हो लिए, दो तीन गाँव ऐसे गड्ढी है, मैं द्वारा वो रह रहा, अभी लोट की वहाँ पे अभयपुर गए हैं, दमदमा गए हैं, खेड़ला गए हैं, सहजवास, बहलपा, सहजवास, बहलपा, बहुत जोश है लोगों में। 2014 बिल्कुल पक्का दोहराएंगे, बल्कि ज्यादा वोटों से दोहराएंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, पक्की बात। बता दें कि तेजपाल तवर ने साल 2014 में बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सोहना विधानसभा में 3,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए थे। पार्टी ने तेजपाल तवर की सोहना विधानसभा में कराए गए विकास कार्यों में उनकी स्वच्छ छवि को देखते हुए फिर पार्टी के टिकट उन्हें देकर के चुनावी रण में उतारा है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि क्या सोहना की जनता एक बार फिर साल 2014 के चुनाव को दोहराती है या फिर किसी अन्य प्रत्याशी पर विश्वास जताती है। हरियाणा वरदान के लिए सोना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।